बस देख सकते हैं, बस काफी ज्यादा लग्जरी है। आप देख सकते हैं इसका इंटीरियर कितना ज्यादा अच्छा, मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। इसका रेट जो है गाइस वो 700 रुपए पर पर्सन है लखनऊ टू आगरा का। तो बस काफी ज्यादा अच्छी है कपल्स के लिए, तो बहुत अच्छी है। देख सकते हैं डॉगी भी छोड़ने आया है हम लोग को। अभी हम लोग ऑटो कर रहे हैं, अभी गाइस ऑटो कर रहे हैं, अभी घर से निकल चुके हैं। घर से निकलते समय ऑटो का वेट कर रहे हैं, 7:30 बज रहा है और ट्रेन 8 बजे की है, और अभी हम लोग ऑटो का वेट कर रहे हैं। ऑटो उस साइड खड़ा हुआ है, देख सकते हैं तो भी चल रहा है। जैकेट ले लिया था गाइस, जैकेट से ठंडा नहीं लगेगा, जैकेट पहन रखा है तो अभी चल रहे हैं हम लोग छोटी लाइन मतलब रेलवे स्टेशन। तो गाइस आ चुके हैं सीतापुर रेलवे स्टेशन पे, अभी ट्रेन बस आने वाली है, 5 मिनट लेट है, बस आ ही चुकी है। देखिए हॉर्न भी दे रही है, तो अभी हम लोग ट्रेन पे चढ़ते हैं, उसके बाद निकलते हैं हम लोग लखनऊ की तरफ। तो गाइस ट्रेन आ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ नहीं है प्लेटफॉर्म पे। सुबह कैसा लग रहा है? गर्मी लग रही है, अबे बस 1 घंटे में पहुंचा देगी। तो गाइस देख सकते हैं कुछ जनरल डब्बा का ये हाल है, और काफी ज्यादा यहाँ पे भीड़ रहती है। खड़े होते हुए हम लोग जा रहे हैं लखनऊ की तरफ। बहुत ठंडा लग रहा है गाइस। फाइनली गाइस आ चुके हैं चारबाग स्टेशन पे, और चारबाग अभी 2 घंटे लग गए इस ट्रेन को पहुंचाने में, तो फाइनली 10:30 बज चुका है। अब हम लोग चल रहे हैं, बुक कर रखी है बस, देखते हैं कौन से टाइम मिलेगी और किस टाइम चलती है। तो बहुत ही ज़्यादा और कैसी बस रहेगी आप लोगों को मैं वही चीज़ दिखाऊंगा कि किस टाइप से बस है, किस टाइप का बस का प्राइस है, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताऊँगा। अभी आलमबाग के लिए बस कर दी है, ऑटो कर दिया अभी, तो ऑटो से निकलते हैं आलमबाग बस स्टैंड। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं आलमबाग बस स्टेशन। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा लंबे लंबे रूट की बसें जाती हैं, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी क्वालिटी की बसें आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, रिजर्वेशन गाइस नहीं करवा रखा है, तो अभी देखते हैं कौन सी बस मिलती है, उसका मैं रेट हर एक चीज़ आप लोगों को बताऊँगा। तो बने रहिए ब्लॉग चैनल पर। कभी भी अगर जो लखनऊ आइए और लखनऊ से आप लोगों को अगर जो बस की ज़रूरत पड़ती है, बस से अगर जो आप जाना चाह रहे हैं, तो सीधा आप कोई और बस अड्डे मत जाइए, मगर कभी भी आप आइए लखनऊ तो आलमबाग बस स्टैंड आइए, वहाँ से आप लोगों को हर जगह की बसें आप लोगों को मिल जाएंगी। आप लोगों को कहीं भी जाना है, इसी ही नॉलेज आप लोगों को मैं देना चाहता था। अगर जो आपको मेरा ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सही लगे, तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी टूरिस्ट गाइड भी देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें भी बताता हूँ। कोई भी चीज़ भेजा नहीं रहती, हर एक चीज़ जो है वो एक रियल चीज़ रहती है। कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे ब्लॉग चैनल पर। गाइस आ चुके हैं अभी हम लोग एक ट्रैवल एजेंसी पे, जो कि आलमबाग नहरिया चौराहे पर ही है। अगर जो आप लोगों को वॉल्वो बसें चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, वो आप लोगों को नहरिया चौराहे पर ही सारे बुक मतलब बस स्टॉप ट्रैवल वाले एजेंसी आप लोगों को बहुत ही आसानी से आप लोगों को हायर करा देंगी, और काफ़ी चीपेस्ट रेट में। कोई यहाँ पर ठगते नहीं है पैसा, कोई यहाँ पर लूटपाट नहीं होती है, और यहाँ पे जो चीज़ होगी वो जेन्युइन आप लोगों को बता देंगे, और आप लोगों को आसानी से बस यहाँ पर लग्जरी से लग्जरी, स्लीपर से स्लीपर, और हर एक चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। गाइस बस देख सकते हैं, तो गाइस बस देख सकते हैं, बस मेरे पीछे आ चुकी है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। ये स्लीपर हम लोगों ने कर रखा था, स्लीपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और ये देख सकते हैं वे है। गाइस बस देख सकते हैं, बस काफ़ी ज़्यादा लग्जरी है। आप देख सकते हैं इसका इंटीरियर कितना ज़्यादा अच्छा, मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। ये देखिए ये ऐसी बस है, और इसका रेट मैं आप लोगों को बता दूं, इसका रेट जो है गाइस वो 700 रुपये पर पर्सन है लखनऊ टू आगरा का। तो मैंने और विनेश ने और श्रेया ने कर रखा है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बस है, स्लीपर है, बिल्कुल आराम से लेट सकते हैं, कपल के लिए काफ़ी अच्छी है। लगी बस कुछ इसके बारे में बता दो। अच्छी भाई, बहुत अच्छी है। लाइफ में पहली बार बैठे ना, तो गाइस देख सकते हैं लॉबी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लॉन्च टाइप का मिल जाता है आपको पर्सनली, और देख सकते हैं एसी भी लगा हुआ है, चार्जर भी लगा हुआ है, हर एक चीज़ आप लोगों को परफेक्टली मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा भरी भी नहीं है, और खाली है। देख सकते हैं श्रेया उधर लेटी हुई है, और ये भी खाली, ये भी खाली, ये भी खाली है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी बस है बिल्कुल, और फुल्ली एसी है।
बता दूँ, जो फर्स्ट टाइम आता है वो बहुत ही ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस एब्जॉर्व करता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी उसे लगता है। और हम लोग भी पहली बार ही बैठे हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर जो आप लोग भी कपल हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह पर सेपरेट, आपको अगर जो एक सवारी चाहिए सफ़र के लिए, लंबे सफ़र के लिए, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे ब्लॉग चैनल पे। बहुत ही ज़्यादा और चीपेस्ट रेट मैं आप लोगों को बताऊँगा। और ये बस हम लोग को टोटल पड़ी है 700 रुपये की एक पर्सन की, और जो कि पहुँचाएगी लखनऊ से आगरा, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी ट्रिप रहेगी हमारे हम तीनों के लिए। और काफ़ी दिनों से बहुत सारे ब्लॉग नहीं बनाए, तो लंबी छुट्टियां मिली थी, तो इसीलिए हम लोगों ने प्लान बनाया, तो निकल पड़े एक नए सफ़र की ओर। इधर आप लोगों को टॉयलेट और वॉशरूम भी मिल जाएगा बस में। काफ़ी ज़्यादा अच्छी बस है। शिला ने मतलब कुर्ती उतार के टी शर्ट पहन ली है, मतलब कंफर्टेबल लग रहा था लेटने में, तो इसीलिए चेंज कर लिया। और मैंने भी चेंज कर लिया, शर्ट उतार के टी शर्ट पहन लिया। काफ़ी लंबा सफ़र है, 6 घंटे का है लखनऊ से आगरा का। ये आगरा सुबह 6 बजे पहुँचा देगी, तो हम लोग ने डिसाइड करा चलो चेंज करके सोते हैं। और 12:30 बज रहा है और थक भी चुके हैं, थके ज़्यादा नहीं, मतलब थक चुके हैं, थक गए ना हम, पहली बार सुबह से काम कर रहे हैं घर का, तो इसीलिए हम थक गए। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और अगर जो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को, एंड लाइक फॉलो कर दीजिएगा। और कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे ब्लॉग चैनल पे। अगर जो ऐसी इंटरेस्टिंग एंड मोर इन्फॉर्मेटिव अगर जो आपको अगर जो वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे ब्लॉग चैनल पे। मिलते हैं सुबह, गुड नाइट, सुबह मिलते हैं, बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हो, गुड मॉर्निंग। तो देख सकते हैं अभी सुबह के 4:30 बज रहा है। अभी हम लोग आगरा एक्सप्रेस वे पर एक टोल टैक्स पड़ता है जो कि दिल्ली रोड पे, यहाँ से आगरा जो है 20 किलोमीटर है। एक्चुअली में हम लोग ने मिस्टेक बहुत बड़ी कर दी, हम लोग ध्यान नहीं दे पाए और बस वाले ने भी नहीं रोका। हम लोग को उतरना था कुबेरपुर, जो कि आगरा के पास पड़ता है। सारी जितनी बस है ना वहीं पर स्टॉप लेती हैं, तो हम लोग ध्यान भी नहीं दे पाए और बस वाले ने भी नहीं ध्यान दिया। तो उसने क्या किया, वो चलता चला आया 20 किलोमीटर आगे, तो वहीं पर 20 किलोमीटर आगे हम लोग को भी ध्यान आया, तब हम लोग 20 किलोमीटर आगे उतरे हैं। और यहीं टोल टैक्स के पास एक बड़ा सा कैंटीन टाइप की है, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट टाइप का, तो वहीं पर बैठे हुए हैं। तो कुछ ऐसा और एक चीज़ तो आप लोगों को बता दूंगा, कभी भी बाहर जाइए तो ध्यान ज़रूर दीजिए, क्योंकि बस वाले को जब बताया गया था कि आगरा उतार देना, आगरा एक्सप्रेस वे पर मतलब कुबेरपुर हम लोग का स्टॉप था, तो वहाँ पे उतारना था, तो बस वाले ने उतारा नहीं। तो एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा, आप लोग भी कहीं भी जाइए तो ज़रूर ध्यान दीजिए, पूरा डिपेंड मत रहिए, ताकि स्कैम बहुत सारे होते हैं। अब रात है, रात के मतलब 4:30 बजे, बाहर अंधेरा है, मैं हूँ विमलेश, और बाहर कोई भी ऐसा साधन नहीं मिल रहा है जिससे हम लोग कुबेरपुर जाके आगरा पहुँचे। तो अभी सुबह होने का वेट कर रहे हैं, उसके बाद निकलेंगे आगरा की ओर।